आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं किस तरीके से आप जीएसटी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। बिजनेस फील्ड। सबसे पहले आपको सर्च करना है www.gst.gov.in। इसे सर्च करने के बाद हमारे सामने जीएसटी की यह साइट खुल जाएगी। अब हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर यूज़र नेम में यूज़र नेम और पासवर्ड में पासवर्ड फिल कर देना है। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखने लगते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें सर्विसेज पे क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में जाना है। इसके बाद हमें अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। अब हमें प्रमोटर्स पार्टनर्स पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे हमें एडिट का ऑप्शन नीचे दिख रहा है। अब हमें इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो होने लगती है। अब हमें इस पेज को थोड़ा सा नीचे करना है। अब यहाँ पर हमें पहले से पड़ा हुआ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख रही है। अब हमें यहाँ पर अगर नया मोबाइल नंबर डालना है कोई तो इसे पहले इरेज कर देना है और यहाँ पर वो नया मोबाइल नंबर डाल देना है। और ज़रूरी यह है कि यह मोबाइल नंबर आपके पास ऑन हो। और यहाँ पर हमें नई ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे हमें अपने जो मोबाइल पे ओटीपी आया वो यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। और यहाँ पर हम अपना ईमेल का ओटीपी फिल कर देते हैं। और इसके बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं वो हमारा सेव हो जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे आई हियर बाय पे क्लिक करना है। और इस जगह पर हमें अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर प्लेस में अपना जगह का नाम डाल देना है। चलिए मैं भी इसमें फिल कर देता हूँ। और इसके बाद हमें नीचे सबमिट विथ ईवीसी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब हमारे पास एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल कर देना है। और अब हमें वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। देखिए इस तरीके से हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ चुका है और हमारा ये जो नया मोबाइल नंबर और ईमेल है ये अपडेट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मिलती रहें। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।